अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो या फिर डेटा एनालिस्ट बनने के बारे में सोच रहे हो तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो डेटा एनालिसिस करते हैं एंड उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ए प्रोफेशनल, वी हियर हेल्प यू बिल्ड द करियर ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं वही मिस्टेक्स के बारे में जो आपको बींग ए डेटा एनालिस्ट बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट इज की डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन इनकरेक्ट या फिर इनवैलिड डेटा। जब भी आपको डेटा मिलेगा चांसेस है कि वो अनक्लीन डेटा होगा, अनफिल्टर्ड डेटा होगा, राइट? तो वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास आएगा जिसमें कुछ वैल्यूएबल रहेगा भी नहीं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आपको क्लीनिंग प्रोसेस करनी है सो दैट आपके पास एक वैलिड डेटा आए, करेक्ट डेटा आए। सेकंड मिस्टेक जो बॉट डेटा एनालिस्ट करते हैं दैट इज की बायस डिसीजन लेते हैं। कभी भी आपको डेटा या फिर अल्गोरिदम को ट्रस्ट करना है, कभी भी पर्सनल इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे नहीं डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक बहुत सारे डेटा एनालिस्ट करते हैं जो आपको मेक श्योर करना है कि बिल्कुल नहीं करना है। यू हैंस नेवर टेक बायस डिसीजन। थर्ड चीज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ओवर रिलाइड ऑन ऑटोमेटेड टूल्स। अभी डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे मार्केट में टूल्स आ गए जिसमें जस्ट आपको फ्यू क्वेरीज डालनी है एंड आपका पूरा डेटा एनालिसिस का पूरा प्रोसेस हो जाता है, पूरा ETL हो जाता है, राइट? तो वो टूल्स पे आपको ज्यादा रिलाय नहीं करना है। आपको ज्यादा वो टूल्स को इस तरीके से नहीं लेना है कि जो भी आउटपुट आएगा यू विल जस्ट प्रोसेस इट। आपको प्रूफ रीड करना या फिर रिव्यू करना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज चांसेस है कि वो टूल जो है, वो जो ऑटोमेशन वाला टूल है, वो फेल हो सकता है। That's why proof read करना, overview करना काफी important role play करता है। You should never rely on these tools. Fourth mistake जो बहुत सारे data analyst करते हैं कि जो end goal होता है, जो bigger picture होता है, वो तो भूल ही जाते हैं। अगर आप data analysis कर रहे हो, जो भी आपको problem statement आएगा, वो problem statement को तो आपको solve करना ही है। But जो actual बड़ा use case है, जो आपका goal है, वो आपको कभी नहीं भूलना है। And वो problem statement solve करने के चक्कर में बड़ा goal भूल जाते हैं बहुत सारे data analyst, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। And you have to keep this thing in mind. अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल था। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिफ्थ एंड द फाइनल मिस्टेक जो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट करते हैं इसकी लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अभी कोई प्रॉब्लम मिल गई, कुछ डेटा मिल गया है, उसके ऊपर एनालिसिस करना है, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से वहाँ पे एल्गोरिदम्स परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रोसेसेस नहीं कर सकते, प्रॉपर डेटा एनालिसिस नहीं हो पाएगा, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले पास नॉलेज होना चाहिए आपके पास सबसे पहले, एंड आपको कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि वो डेटा के साथ आपको करना क्या है, तभी जाके आप एक प्रॉपर एल्गोरिदम परफॉर्म कर पाओगे, प्रॉपर प्रोसेस परफॉर्म कर पाओगे, राइट? एंड उसी को एक इफेक्टिव डेटा एनालिस्ट बोला जाता है। तो आई होप आपको अभी टॉप 5 मिस्टेक्स पता है जो एक डेटा एनालिस्ट करता है एंड आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अदर देन दिस वीडियो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के ऊपर वीडियोस बनाए जो कि आपके लिए आपके डेटा एनालिस्ट करियर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको चेकआउट करना है लिंक मैं आपको आई बटन में दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अदर देन दिस अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है मुझसे 1-to-1 दैट ऑल्सो यू कैन डू। आपको बस टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।